मेरे साईं शो के बारे में तो आप बहुत कुछ जानती ही है, तो मेरे साईं शो के बारे में आज हम साईं बाबा का किरदार जो निभा रहे, उनके पिताजी का किरदार किसने निभाया है, उनके बारे में हम आज जानने वाले हैं। वैसे तो साईं बाबा के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने हासिल की होगी या इधर उधर से आपको पता चली गई होगी, लेकिन मेरे साईं शो जो अभी चल रहा है, उस मेरे साईं शो में साईं बाबा के पिताजी का किरदार किसने निभाया है, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। उस एक्टर के बारे में हम थोड़ा सा जानने वाले हैं इस ब्लॉग में, उनका हम परिचय दिखाने वाले हैं। जैसे मेरे साईं शो आप हमेशा देखते आ रहे हैं, तो वैसे ही हमारे ब्लॉग को भी आप पसंद कर ही रहे हैं, तो हम ऐसे ही आपको नए नए आर्टिस्ट को या किरदारों को आप तक मिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। उनके पिताजी का जिन्होंने किरदार निभाया है, उनके बारे में हम आज बताने वाले हैं इस ब्लॉग में, उनका हम परिचय देंगे, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम उनके बारे में या उनके साथ मिलके एक ब्लॉग हम बनाएंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज का ब्लॉग आप बिना स्किप किए हुए देखिए, तो बने रहिए ब्लॉग में। शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को, लेट्स स्टार्ट। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Namaskar mitron, main PK Pathik, meri yatra blog, my blog mein aap sabhi ka swagat karta hoon. मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो यात्रा है, ये आप सबकी यात्रा है, आप सब इसमें सहयात्री बनकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। इसमें दृष्टिकोण हमारा रहेगा, तो किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसे बनता है ये उसके पीछे की जर्नी जानने से आपको पता चलता है। तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा जन्म देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ, किंतु पालन पोषण और शिक्षा कानपुर में हुई। साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने हिंदी साहित्य में मास्टर कंप्लीट किया। जीवन को समझने के लिए बाहर निकलना शुरू किया। कानपुर रहने के दौरान ही मैंने इप्टा थिएटर भी ज्वाइन किया था। उसी को आधार बनाकर 2005 में मैं पहुंचा मुंबई। जी हाँ, ये मुंबई मुझे बहुत कुछ सिखाने वाली थी। आते ही मेरा सामना बंबई के बाढ़ से हुआ और सीखा कि संकट में मानवता कैसे जगती है, परमात्मा कैसे याद आते हैं। मुंबई के अकेलेपन, संघर्ष और आत्म मंथन ने बहुत कुछ सिखाया। पढ़ने की रुचि ने साहित्य, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन आदि का ज्ञान करवाया। यहाँ अभिनय में मेरी शुरुआत हुई NSD स्नातक विजय कुमार जी के मंच मुंबई ग्रुप से। उनके निर्देशन में हमने कई शो किए। मैंने सहायक लेखक के रूप में भी काम किया। नटराज स्टूडियो में उमेश मेहरा जी के निर्देशन में पहली बार कैमरा फेस किया, लेकिन संवाद बोलने का अवसर मुझे हवाएं सीरियल में मिला। शुरुआती कुछ वर्षों में मैंने भोजपुरी फिल्मों के लिए संवाद लिखे, लेकिन नाम सिर्फ एक ही फिल्म में मिला। फिर मैंने अभिनय की ओर रुख किया और विभिन्न सीरियलों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। चूंकि हिंदी पे अच्छी पकड़ थी, इसलिए पौराणिक धारावाहिकों में मुझे आसानी से काम मिल जाया करता था। धीरे धीरे कुछ अन्य सीरियल्स मिलने लगे। उन दिनों मैं पीके मस्त नाम से शेरो शायरी कविताएं लिखता था और जब भी मौका मिलता मैं संगोष्ठियों में हिस्सा लिया करता था। घुमक्कड़ तो था, इसलिए जब जहां जैसे जो भी अवसर मिलता घूमने का, वो मैं जाने नहीं देता था। किंतु त्योहार मैं हमेशा अपने परिवार और मित्रों के साथ ही मनाना पसंद करता था। 2008 के दौरान बाहुबली सीरियल, जो प्रकाश झा प्रोडक्शन का था, उसमें मुझे पंकज त्रिपाठी जी के राइट हैंड के रूप में काम करने का अवसर मिला। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ग्रह दशा बदली या क्या हुआ कि मैं कुछ ज्यादा पाने के चक्कर में बिजनेस करने लगा, एज अ ट्रेनर काम करने लगा। कई देशों की यात्राएं की और जीवन में बहुत कुछ पाया भी मैंने, पर अचानक वो कंपनी बंद हो गई, यानी मैं सफलता को पहचान नहीं पाया। पतन और नैराश्य की खाई में गिर पड़ा। सिवाय कुछ खट्टी मीठी यादों के अतिरिक्त मेरे पास कुछ ना बचा। परमात्मा की कृपा से अच्छे लोगों का संग था, सत्य का बल या लोगों का आशीर्वाद था, फिर मैं जीरो से हीरो बनने बंबई पहुंचा। दूसरी पारी में गिनती फिर से एक से शुरू करनी पड़ी। थोड़ा बहुत कुछ काम मिला, लेकिन उसके भरोसे मुंबई में टिक पाना मुश्किल था। ऐसे में कुछ मित्रों का सहयोग मिला और मैंने वॉइस आर्टिस्ट के रूप में डबिंग इंडस्ट्री में अपने कदम रखे। उन्हीं दिनों एक मित्र के रेफरेंस से मुझे एक फिल्म में सहायक निर्देशक के रूप में काम मिला। पिछली असफलता को भुला ना पाने के कारण मैं अवसाद और मानसिक उलझन के दौर से गुजर रहा था। इसके कारण मैं काफी मोटा हो गया था, इसलिए मैंने फिटनेस चैलेंज लिया और मैंने अपने आप को फिट भी कर लिया। अब फिर से दौड़ शुरू हुआ अच्छे रोल पाने का, कुछ अच्छा काम करने का।
कुछ अच्छे सीरियल्स में मैंने कंटिन्यूटी ट्रैक की, और उसके बाद सावधान, क्राइम पेट्रोल और न जाने ऐसे कितने सीरियल्स में कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई। उसी दौरान एक साल के लिए आकाश इंस्टीट्यूट नासिक में मैंने सीनियर काउंसलर और ब्रांच मैनेजर के रूप में काम किया। इधर सीरियल और फिल्मों में मैं यदा कदा काम करता रहता था। 2016-17 में मैंने एक सुपरहिट फिल्म निर्जा में काम किया, साथ ही पंडित तेनाली राम जैसे सफल धारावाहिक में भी मुझे अभिनय करने का अवसर मिला। कुछ अच्छे मित्र मिले, उनके साथ कुछ नए एक्सपेरिमेंट हुए, बीच बीच में कुछ प्रसिद्ध कलाकारों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर अभी भी मुझे अपने अंदर बनावट और छिछलेपन की अनुभूति होती थी। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में मैं एक विनम्र साधु महाराज के घर घर यज्ञ लक्ष्य से जुड़ा। उसी कड़ी में मैं लोगों के यहाँ जा जाके यज्ञ करता कराता हूँ और यज्ञ के विषय में साधु महाराज के विचार बताता हूँ। स्वयं और सत्य को जानने की इच्छा से मैं 2017 में दर्शन शास्त्र से जुड़ा। परिणाम स्वरूप मुझमें और मेरे किरदारों में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला। अभिनय की यात्रा में 2017 में वेब सीरीज महाराजा छत्रसाल की और उसी समय वेब सीरीज दल्ला भी की। अब मैं चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए स्वयं को तैयार पाता हूँ। शूटिंग, डबिंग, रंगमंच में अभी भी सक्रिय हूँ। उम्र की परिपक्वता और संघर्षों से प्राप्त अनुभव अब मुझमें दिखने के साथ साथ मुझसे कुछ कर गुजरने को कहता भी है, बस उचित अवसर की प्रतीक्षा है। ईश्वर की अनुकंपा और आप सबकी शुभकामनाओं से वो अवसर भी मुझे जल्द ही मिलेगा। आजकल आप मुझे ग्रो ऐप के कमर्शियल एड में देख रहे होंगे। इसके अतिरिक्त वेस्टर्न रेलवे के कॉरपोरेट एवी में भी आप मुझे देख पाएंगे। लॉकडाउन के दौरान मैंने साइकोलॉजी में मास्टर करने की इच्छा से इग्नू में एडमिशन लिया। भविष्य में वेद, शिक्षा, गीता, योग जैसे ही किसी विषय पर पीएचडी करने की इच्छा रखता हूँ। बच्चों के प्रति मेरा विशेष स्नेह है क्योंकि ये आने वाले कल की धरोहर है, इसलिए मैंने अध्ययन, जीवन, ध्यान से जो भी कुछ सीखा है वो सब मैं किसी न किसी माध्यम से इन्हें समर्पित करता रहूंगा। जीवन आनंदमय यात्रा है। मैं और मेरे से ऊपर उठकर सेवा भावी होना मैंने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। आप सब भी मेरे कार्य, मेरी यात्रा में सहभागी, सहयात्री बने। अपना अमूल्य समय देने हेतु आप सबका हार्दिक आभार। आप सबके हृदय में व्याप्त चेतना स्वरूप परम पिता परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम।